वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज हम लोग आई टी करने के लिए आए हैं वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या खाएंगे। सो कम अलॉन्ग विद मी। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में आ चुके हैं हम लोग, आई टी करने के लिए आए हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या खाते हैं और क्या क्या करते हैं। So the first thing that I'm going to try is their chicken haleem, and it was very tasty. और मुझे हलीम वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैंने तो ये भरपूर खाई, फुल लवाज मात उसके ऊपर डालकर। आई हैड दिस अगेन एंड अगेन। ये पोटैटो कटलेट, पकौड़ा, समोसा और ये चिकन लेग। तो इस प्लेट में सबसे मज़े के मुझे पोटैटो कटलेट लगे हैं और आलू वाला समोसा। चिकन विंग वॉज जस्ट फाइन, थोड़ा फीका सा था तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया, और पकौड़ा बहुत ठंडा सा था तो वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो पोटैटो कटलेट एंड आलू वाला समोसा वॉज परफेक्ट। तो अब मैंने ट्राई किया ये वाइट पास्ता, एंड मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इट वॉज नॉट गुड, मुझे बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगा। पिज़्ज़ा टू बैड, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। एंड ये अच्छे थे वेजिटेबल राइस विद पाइनएप्पल चिकन, इट वॉज गुड। सो ओवरऑल इस प्लेट में से मुझे सिर्फ वेजिटेबल राइस और पाइनएप्पल चिकन पसंद आया। तो फिश और प्रॉन्स बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के थे। हाल ही तो अब मैं ट्राई करने लगी हूँ फ्रूट चाट और दही पकौड़ियाँ। मैंने कहा ये भी देख लेते हैं कि टेस्ट में कैसे हैं। इट वॉज जस्ट फाइन। तो इस प्लेट में से मैंने सिर्फ सैंडविचेस खाए हैं और फ्रूट चाट खाई है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे मज़े का नहीं लगा। इट वॉज जस्ट ओके। तो पर्ल कॉन्टिनेंटल के अंदर ये पेवेलियन एक मॉल बना हुआ है, वहाँ पर डिफरेंट ज्वेलरी की शॉप्स हैं और भी काफ़ी शॉप्स हैं। ये शॉप थी यहाँ पर स्टोन्स और डेकोरेशन पीसेस, और ये डिफरेंट शॉप है यहाँ पर हर तरह के रग्स बहुत अच्छी इम्पोर्टेड क्वालिटी में मिलते हैं। ये एक और शॉप है यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस, ट्रेडिशनल भी और एंटीक। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल आपके स्टार के अकॉर्डिंग स्टोन भी मिल जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि इट्स फाइव स्टार होटल और फॉरेनर्स या डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पर आके स्टे करते हैं, तो वो हमारे कल्चर से फैमिलियर हो सकें, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिशनल रिक्शा, ट्रक, इस तरह की चीज़ें आपको डेकोरेशन पीस। सो इनकी हाई टी को आई वुड रेट 10 out of 7, सिर्फ नाम की वजह से इनकी हाई टी चल रही है, अदरवाइज इट वॉज जस्ट ओके, नॉट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आई होप गाइस कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।